Hello guys, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the code here. Hope you guys are doing good. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो गाइज, कंडीशनल स्टेटमेंट सुनने से लग रहा होगा जिसमें कुछ कंडीशंस का रोल हो। मीन्स अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के पीछे कुछ कंडीशन, जैसे कि अगर आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहें कि आप बाहर तभी जाएंगे जब बारिश नहीं हो रही होगी। तो देयर इज़ अ इफ कंडीशन, मीन्स अगर बारिश हो रही होगी तो आप बाहर नहीं जाएंगे, अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो आप बाहर जाएंगे। तो गाइस, सेम कॉन्सेप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट होता है। मीन्स अगर आपको कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, मीन्स कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को एक्सक्यूट तभी कराना है जबकि कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए, तब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो गाइस, उसी तरीके से पाइथन में भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना है लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन हो। मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है कि x इज ग्रेटर देन y, ये तभी प्रिंट होगा जब x की वैल्यू y से बड़ी होगी। तो ये कंडीशन कैसे गाइस चेक होगी? तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए गाइस हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो गाइस, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं आइडियली। तो गाइस, शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल लिया जाए। तो गाइस, सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 9, एक वाई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। अब गाइस, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है कि जो प्रिंट हो जब एक्स की वैल्यू वाई से छोटी हो। तो गाइस, तो आपने किस तरीके से लिखेंगे? तो आपने सीधे इफ एक्स इज स्मॉलर देन, स्मॉलर देन का साइन आप सब लोग जानते हैं जो मैथ्स पे यूज होता है, x इज स्मॉलर देन y। तो गाइस, इफ स्टेटमेंट को एंड करने का तरीका होता है कि आप लास्ट में कोलन लगा देंगे। ये मैंने कोलन लगाया, आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो गाइस देखेंगे कि जो आपका कर्सर आ गया होगा वो कर्सर यहाँ पे आ गया होगा इस जगह पे। अब जैसे यहाँ से आप जब भी कुछ भी टाइप करेंगे तो देखिए वो थोड़ा आगे से टाइप कर रहा है। तो गाइस, ये क्या हो गया? तो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि पाइथन में आप इफ स्टेटमेंट के जरिए कौन कौन से ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना चाहते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट दो लाइन हो वो तभी चले जब वो इफ कंडीशन ट्रू हो जाए, तो आपकी जो दो लाइनें चलनी होंगी ना वो दो लाइनें आपकी कुछ स्पेसेस के बाद लिखी होंगी। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें तो वो होता है चार लाइन का, चार स्पेसेस का। चार स्पेसेस के बाद से हम लोग लिखना जो भी कोड शुरू करेंगे वो इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। और मान लीजिए कि आपने कुछ भी लिखा वो उन चार स्पेसेस के बाहर है, मीन्स आपने उससे पहले लिख दिया है, तो गाइस वो इफ कंडीशन के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैंने लिख दिया एक्स इज स्मॉल। तो गाइस, अब देखिए जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो उसने प्रिंट कर दिया एक्स इज स्मॉल। बट यहीं पे अगर मैं कह दूं कि एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू जो है वो 9 है, और मैं यही सेम कंडीशन फिर से लिखता हूँ एक्स इज स्मॉलर देन वाई प्रिंट x इज स्मॉलर, तो वैसे अब देखिए क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वो 10 है और y की वैल्यू जो है वो 9 है। तो अब जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 10 9 से छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे बूलियन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। मीन्स जब फॉल्स कंडीशन होती है तो बूलियन वैल्यू जनरेट होती है 0, तो यहाँ पे इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और इसके अंदर जितने भी कोड लिखे होंगे वो रन नहीं होंगे। अब जैसे आप मान लीजिए आपने इंटरप्रेस किया, आपने ये इंटरप्रेस किया तो देखिए गाइस कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि ये इफ कंडीशन रन ही नहीं हुई क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो गाइस, अगर मान लीजिए ये तो एक कंडीशन होगी, अब आपको ये करना हो कि अगर मान लीजिए एक्स छोटा नहीं है तो मतलब वाई छोटा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, आप इफ और एल्स का यूज़ करेंगे। तो गाइस, इफ और एल्स का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए आपके पास एक तो ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपको दो कंडीशंस आ रही हो, मींस आपने कहा कि अगर बारिश हो रही होगी तो मैं छाता लेके जाऊंगा, अगर नहीं हो रही होगी तो आप बिना छाता के चले जाएंगे। तो गाइस यहीं पे सेम होता है, अगर मान लीजिए एक्स छोटा है तो आप प्रिंट करेंगे एक्स इज स्मॉलर, लेकिन अगर मान लीजिए एक्स बड़ा है तो आप प्रिंट करेंगे वाई इज स्मॉलर। तो आपने सीधे क्या किया, इफ एक्स इज स्मॉलर देन वाई देन प्रिंट एक्स इज स्मॉल। एंड गाइज, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो गाइज अभी भी देख रहे हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पे, आप कुछ भी टाइप करेंगे तो इसके अंदर से आएगा। बट गाइज, हम लोग को अब इफ स्टेटमेंट के बाहर निकलना है, तो हम लोग बाहर आ गए।
आप यहाँ पे लिखेंगे एल्स, एल्स में क्या लिखेंगे आपको जो दूसरा स्टेटमेंट लिखना है, आप यहाँ पे लिख देंगे वाई इज स्मॉल। आप गाइस जैसे ही प्रिंट करेंगे तो क्या आ गया, वाई इज स्मॉल, क्योंकि गाइस इसने देखा कि एक्स 10 है वाई 9 है, इसने कंडीशन चेक की तो इसने कहा क्या एक्स वाई से छोटा है तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ कंडीशन तो चली नहीं। तो उसने कह दिया जब बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बट वैसे यहाँ पे ध्यान देने ये वाली चीज़ होती है कि एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती है, मीन्स आप एल्स को सिंपली लिखेंगे। एल्स का मतलब ये होता है कि इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो एल्स कंडीशन चलेगी। लेकिन गाइस यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, कहीं कहीं पे ये लॉजिक गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो क्या प्रिंट होगा। तो गाइस अब फर्दर लॉजिक को समझने के लिए हम लोग अब यहाँ से कोड वी एस कोडिंग पे शुरू करेंगे। तो वी एस कोड गाइस एक तरह का आईडी ही है जहाँ पे आप कोड को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली जो वी एस कोड हो गया या जैसे आपका पाइचाम हो गया, कोई और भी चीज़ें होती हैं वो डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज़ की जाती हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए एक्स इक्वल टू 10, मैं गाइस थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा करूँ, एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 10। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ये लॉजिक लिखा इफ, यहाँ पे गाइस सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है किस लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, तो वैसे मैं पाइथन का कोड लिख रहा हूँ। एक्स इज स्मॉलर देन वाई प्रिंट x इज स्मॉलर, एल्स में आपने लिख दिया प्रिंट y इज स्मॉलर। तो भाई साहब जैसे आप कोड रन करेंगे तो गाइस यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, सबसे पहले इफ कंडीशन तो चेक नहीं चेक होगी, ये हो जाएगी फॉल्स, तो उसको क्या करें एल्स का कोड वो रन कर देगा। अब गाइस एल्स का कोड जब रन होगा तो क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट जनरेट हुआ y इज स्मॉलर, लेकिन क्या y स्मॉल है, नहीं है। मतलब यहाँ पे एक और कंडीशन आ रही है कि एक ऐसे भी कंडीशन आ रही है जहाँ पे x और y इक्वल हो, तो गाइज वो कंडीशन को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइज यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका नया इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है elif, मीन्स आप एक और कंडीशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने लिखा elif x इक्वल टू इक्वल टू y प्रिंट x इज इक्वल टू वाई। अब गाइज देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग कंडीशन रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि गाइज सबसे पहले उसने ये चेक किया एक्स छोटा है वाई से, कंडीशन फॉल्स होगी। उसने वो एलिफ के पास गया, उसने एलिफ में कंडीशन चेक की क्या एक्स इक्वल है वाई के, कंडीशन ट्रू हो गई, उसने प्रिंट कर दिया एक्स इज इक्वल टू वाई। तो गाइज ऐसा अगर देखिए यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल आपके पास कंडीशन हो, बट गाइस यहाँ पे हमने कितनी कंडीशन चेक की, तीन कंडीशन, या तो स्मॉलर होगा या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। बट मान लीजिए कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ पे बहुत सारी कंडीशन होती हैं, तो गाइस तब क्या करेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एलिफ को कितनी बार भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल स्मॉलर देन इक्वल टू वाई, एक कंडीशन आपकी होगी, आपने इसके अंदर भी कुछ प्रिंट में लिखा, कुछ भी आपने लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया। तो गाइस यहाँ पे कोई भी आपकी लिमिटेशन नहीं होती आप कितनी एलिफ कंडीशंस को लिखेंगे, आप जितना एलिफ कंडीशन लिखना चाहे उतना अच्छा है। तो गाइस हम लोग अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे जिसका काम ये होगा कि जिस तरह आप अमेजन पे या कोई भी ई कॉमर्स साइट पे आप कुछ भी खरीदते हैं तो वहाँ प्राइसिंग के हिसाब से आपका शिपिंग के चार्जेस को आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए आपने भी एक यही किया, आपने माना कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, मान लीजिए आपने लिखा प्रो इक्वल टू, आपने खरीदा 100 रुपये का प्रोडक्ट, और आपने ये चेक किया कि इफ प्रोडक्ट इज प्रो इज स्मॉलर देन 50 रुपीज, तो आपने क्या किया प्रिंट शिपिंग चार्जेस इज 150 रुपीज़। और मान लीजिए फिर आपने क्या चेक किया कि मान लीजिए प्रो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 100 रुपीज़, देन प्रिंट
टिपिक चार्जेस इज 50 रुपीज़। एंड आपने लास्ट में कंडीशन ये लगा दी कि अगर 100 से अगर आपका प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी शिपिंग चार्जेस फ्री होगी। तो आपने क्या किया, शिपिंग चार्जेस इज फ्री। तो वैसे अब हम लोग कोड को रन करेंगे तो वैसे देखिए उसने क्या बताया, शिपिंग चार्जेस इज 50 रुपीज़, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो 100 रुपये थी। तो सबसे पहली कंडीशन जो चेक की उसने क्या बताया, 50 जो प्रोडक्ट हो गया अगर उसकी वैल्यू 50 से कम होगी तो शिपिंग चार्जेस उसके क्या होंगे, 150 रुपीज़। अगर जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो 100 या 100 से कम होगी तो शिपिंग चार्जेस क्या होंगे आपके, 50 रुपीज़। तो भाई ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 100 रुपये के बराबर है। तो हमारा एलिफ कंडीशन ट्रू हो जाती है और हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है कि शिपिंग चार्जेस है 50 रुपीज़। अब मान लीजिए आपने एक और कंडीशन लगानी है जिसके बेसिस पे फर्दर की कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो अब हम लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब एक ऐसी इक्वेशन हो जो दूसरी इक्वेशन के ऊपर टोटली डिपेंड करे। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमने फिर से ही लिखा, हम लोग मान लीजिए शिपिंग ही का हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए 100 रुपये का है, आपने कंडीशन चेक की और आपने बताया लोकेशन जो है वो है ENDI मीन्स इंडिया, इंडिया में आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो। तो आपने कंडीशन चेक की इफ लोक इक्वल टू ENDI मीन्स अगर लोकेशन जो है वो इंडिया के बराबर हो तब वो चेक करें कि इफ प्रोडक्ट इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू 50 फ्रेंड शिपिंग चार्ज इज 150। अब मान लीजिए आप कुछ भी लिख देते हैं एल्स इट्स फ्री। अगर मान लीजिए लोकेशन आपके इंडिया के बाहर हो तो आप सीधे कह दीजिए एल्स प्रिंट नो शिपिंग चार्जेस। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने नेक्स्टेड इफ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिखाया। तो हुआ गाइस यहाँ पे ये क्या कि आपने चेक किया कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो लोकेशन है वो इंडिया की है, तब हम लोग चेक करेंगे कि उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे। अगर मान लीजिए लोकेशन इंडिया की नहीं हुई तो हम लोग सीधे कह देंगे कि उसके कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं है। लेकिन जब लोकेशन इंडिया की हो जाएगी तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसके बेसिस से शिपिंग चार्जेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तब वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड इफ का, मीन्स अगर आप इफ के अंदर इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर नेस्टेड इफ हो सकता है। तो मीन्स लेकिन गाइज यहाँ पे पाइथन में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, आप इफ के अंदर कितने भी सारे इफ लिख सकते हैं। मीन्स आपने एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा, उस इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा, उस इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा। तो गाइज यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, आप जितने भी इफ यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। और इफ कंडीशंस का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के केस, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी कोई भी कंडीशन चेक करनी हो तो वहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो गाइज इसी तरीके से हम लोग इफ का यूज़ कर सकते हैं, एलिफ का यूज़ कर सकते हैं, आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट को ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मान लीजिए जहाँ पे भी मल्टीपल इक्वेशंस होंगी तब आपको वहाँ पे एलिफ का यूज़ करना पड़ेगा। आप एलिफ को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती है, एल्स तभी चलता है जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है या एलिफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी कंडीशन आप लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपने लिखा एलिफ लोक इक्वल टू चाइना इक्वल टू चाइना प्रिंट बॉयकॉट, तो गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इफ कंडीशन सबसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना, तो गाइस ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पहले इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, उसने देखा यहाँ तो इंडिया है नहीं तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधे वो एल्स कंडीशन पे चला जाएगा। वो फिर लाइन से आएगा, लाइन पे देखा अच्छा उसको एक एलिफ मिल गया तो एलिफ की कंडीशन सबसे पहले चेक करेगा, अगर एलिफ भी फॉल्स हो जाएगा तब वो देखेगा अच्छा मुझे एल्स मिला तो एल्स में उसको कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सीधे प्रिंट कर देगा नो शिपिंग चार्जेस। तो गाइस इसी तरीके से ये सारा इफ के कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस इसी तरीके से आप सीखते रहिए, आप पाइथन पे कोड करते रहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ like the video and please subscribe the channel. Thank you.